तीसरी प्रखंड के चंदोरी रोड स्थित गंगा राम टुडू के आवास पर इंडिया गठबंधन का बैठक किया, जिसमें मुख्य रूप से माले पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह बताया गया कि तीसरी प्रखंड की 15 पंचायतों में बूथ कमेटी का गठन किया गया और बूथ मजबूती कैसे हो और अलग अलग पंचायतों के कार्यकर्ताओं को बूथ में शांति से वोट दिलाने का चर्चा किया गया। वहीं माले पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि कोडरमा लोकसभा में इस बार इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह का जनता द्वारा लहर चल रहा है। यह जनता और तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि 10 सालों तक जनता का कोई विकास का काम नहीं हुआ, जिसे देख जनता आक्रोश है। ऐसे सांसद सिर्फ जनता से वोट लेने जानते हैं, लेकिन जनता के सुख दुख में खड़ा होना नहीं जानते। और कहा, यहाँ के छात्रों द्वारा लगातार डिग्री कॉलेज की मांग की गई, लेकिन यहाँ के सांसद चुप्पी साधे हुए थे। और यह भी कहा कि देश में पहली सरकार है जो खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाए है, इसलिए इस बार कोडरमा की जनता पूरी समझ चुकी है, झांसी में नहीं आने वाली है और बदलाव चाह रही है। इस बार पूरे कोडरमा लोकसभा में एक जनता का लहर चल रहा है और जनता और तानाशाही सरकार के खिलाफ में लड़ाई है, और लगातार जो 10 साल तक जुमलेबाजी होते रहा, जनता के विकास का एक भी काम नहीं हुआ, इससे पूरे जनता में एक आक्रोश है। आप देखेंगे गांवा तीसरे में एक डिग्री कॉलेज तक भी नहीं खोल पाई शिक्षा मंत्री रहते हुए, और आप ये कह रही है कि हमसे भूल हो गई। भूल किस बात का? आप यहाँ केंद्रीय विद्यालय दे सकते थे, डिग्री कॉलेज दे सकते थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज दे सकते थे, लेकिन ये सब सिर्फ इन लोग वोट लेने जानता है, फिर जनता के सुख दुख से इसको कोई लेना देना नहीं। आप लोग खुद देखे होंगे कि अंशु बनवाल, चंदन बनवाल की हत्या के बाद भी आज तक सांसद अन्नपूर्णा देवी कभी उसके घर तक जाने का भी जरूरत नहीं समझी। तो इससे बड़ा गंभीर बात और कुछ नहीं हो सकता है। और जो रोजगार का सवाल था यहाँ ढिबरा मायका, वो भी बंद है। न संसद में आवाज़ उठाई, न सड़क पर कभी आवाज़ उठाई, न तो जो इसको ज़रूरत समझी। यहाँ के विधायक भी अब देखे 5 साल हो गए, कोई काम नहीं। पावर ग्रिड जो है स्वभाव बन के रह गया, अभी तो चालू नहीं कर पाए 18 किलोमीटर सिर्फ NOC नहीं दिलाने के कारण। तो ये देखेंगे कि पूरा तीसरी के हो, गाँव के हो, पूरे कोडरमा लोकसभा के लोग मैंने भाजपा के नीतियों से हताश है, निराश है। महंगाई बढ़ गई पूरी तरह, आप देखेंगे खाने पीने की वस्तुओं का दाम लगातार बढ़। और देश में पहली सरकार है जो खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया। आज देखेंगे हजारों लाखों लोगों का सारा इंडिया का पैसा जो है सो खत्म कर दिया गया, जबकि सरकार सारा इंडिया की संपत्ति जब्त की तो